उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जिनका जन्मदिन 15 मार्च को होता है। भले ही यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी को मात्र एक सीट मिली हो और भाजपा सपा और कांग्रेस के सामने बसपा कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दलित राजनीति के जरिए यूपी में सालों सरकार में रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की नींव बहुत मजबूत है दोस्तों। हो भी क्यों ना, पार्टी के संस्थापक और बहुजन आंदोलन के नेता कांशीराम ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए जो आवाज उठाई, इसकी गूंज आज भी याद की जाती है। 15 मार्च को कांशीराम का जन्मदिन होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। कांशीराम जी ने बसपा की स्थापना करते समय कुछ सपने देखे थे। पार्टी आज कांशीराम की आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरी, इसका अवलोकन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके पहले कांशीराम जी के बारे में जान लेना चाहिए। कांशीराम जी का जीवन परिचय। कांशीराम जी का जन्म ब्रिटिश शासन काल में पंजाब के रूपनगर, जो कि वर्तमान में रोपड़ के नाम से जाना जाता है, यह एक जिला है, और 15 मार्च 1934 को हुआ था। इन्होंने रोपड़ के शासकीय महाविद्यालय से 1956 में बीएससी की डिग्री हासिल की। बाद में पुणे में स्थित गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास वन अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति हुई, लेकिन इन्हें जातिगत आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर एक दलित कर्मचारी ने छुट्टी मांगी, तो उसके साथ भेदभाव होने के बाद कांशीराम ने दलितों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। दलितों के लिए कांशीराम जी का संघर्ष। दोस्तों, कांशीराम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी नहीं थे, लेकिन इनसे काफी प्रभावित थे। कांशीराम ने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई। कांशीराम ने अम्बेडकर के संविधान को धरातल पर उतारने के लिए काम किया। कांशीराम की आवाज को दबाने के लिए माननीय कांशीराम जी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। इस पर कांशीराम जी को निलंबित करने वाले अधिकारी की पिटाई कर दी थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। माननीय कांशीराम जी ने बामसेफ की स्थापना की। यह ना तो राजनीतिक पार्टी थी और ना ही कोई धार्मिक संगठन। इसके बाद इन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम के सामाजिक संगठन की स्थापना की, जिस पर दोस्तों राजनीतिक प्रभाव भी रहता था। कांशीराम जी ने दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। माननीय कांशीराम जी का राजनीतिक जीवन। दोस्तों, बसपा की स्थापना के साथ ही कांशीराम जी पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। कांशीराम ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छत्तीसगढ़ चुनाव से की थी। यहाँ जांजगीर चांपा से कांशीराम ने पहली बार चुनाव लड़ा। इनकी पार्टी ने बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना छाप छोड़ी। कांशीराम ने इस विचारधारा का प्रचार किया कि हक के लिए लड़ना चाहिए, गिड़गिड़ाने से हक नहीं मिलेगा। कांशीराम और मायावती जी। माननीय कांशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों, बाद में कांशीराम की मुलाकात बहन कुमारी मायावती से हुई। वह मायावती के मार्गदर्शक बन गए। इन्होंने मायावती को बसपा के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया। हालांकि साल 2003 से कांशीराम ने राजनीति में अपनी सक्रियता कम कर दी और साल 2006 में कांशीराम जी का निधन हो गया। कांशीराम एक जमीनी कार्यकर्ता थे जिन्होंने दलित उत्थान का सपना देखा था। दोस्तों, मानवर कांशीराम जी के संघर्ष की स्टोरी सुनकर आप भी संघर्ष करना जारी रखिए। साथियों, जय भीम, जय संविधान।